अध्याय 19 सरकारी बजट और कर निर्धारण। बच्चों, आप पिकनिक पर तो जाते ही होंगे, तो जब आप पिकनिक पर जाने की योजना बनाते हैं तो आप क्या क्या सोचते हैं? यही ना कि पिकनिक पर कहाँ जाएं और इसमें खर्च कितना आएगा और किन किन चीज़ों पर कितना कितना खर्च करना है, तो यही बजट है। ऐसे ही हमारे परिवार में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। हम उन कार्यक्रमों के लिए पहले एक योजना बनाते हैं कि उन पर कितना खर्च आएगा और किन किन चीज़ों पर कितना कितना खर्च हमको करना होगा। इसी तरह हम अपने परिवार की आय को किस तरह से खर्च करें, इसके लिए भी योजना बनाते हैं। तो बच्चों, ये बजट है, लेकिन ये घरेलू बजट है। इसी तरह हमारा देश भी एक परिवार है और हमारे देश की सरकार देशवासियों के विकास के लिए लगातार कोई ना कोई योजना बनाती रहती है, और वो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सरकार लगातार विकास की योजनाएं बनाती है। तो हमारी सरकार ये जो योजनाएं बनाती है उन पर कितना खर्च करे, किन किन क्षेत्रों में कितना कितना खर्च करे, यह सब सरकारी बजट कहलाता है। बच्चों, जब हम अपने परिवार के लिए बजट बनाते हैं तो हम उसकी प्राथमिकताओं का निर्धारण कैसे करते हैं? हमारा प्रयास होता है कि परिवार के सभी सदस्यों को भोजन मिल सके, परिवार में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पूरी हो सके, या अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो उसका अच्छे से इलाज हो सके। इस तरह से हम अपने परिवार की प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं। वैसे सभी परिवारों के लिए अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं। इसी तरह सरकार भी बजट बनाते समय अपनी कुछ प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है। अब ये तो आप समझ ही गए हैं कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य ये ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति करवाना सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए ही सरकार इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त बजट बनाती है। रोजगार के क्षेत्र में मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आय उपलब्ध कराने और उनका विकास करने के लिए चलाई जाती हैं, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में कृषि विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे देश में खाद्यान्न की आपूर्ति की जा सके। यही कारण है कि सरकार अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्रों में व्यय करती है। बात अगर शिक्षा के क्षेत्र की करें तो आप जानते ही हैं, शिक्षा भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नए नए अनुसंधान करती है। निःशुल्क गणवेश वितरण और मध्याह्न भोजन, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनको चलाकर जो शाला त्यागी बच्चे हैं उनकी दर को कम करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह बालिका शिक्षा के विकास के लिए बालिकाओं को शिक्षण शुल्क में छूट दी जा रही है। उन्हें आवागमन में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए सरस्वती साइकिल योजना के द्वारा उन्हें साइकिल वितरण किया जा रहा है, और वो भी निःशुल्क किया जा रहा है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में ICT योजना चलाकर हमारे देश के विद्यार्थियों को शिक्षा की आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखा जाए तो सरकार कई महत्वपूर्ण विकास कर रही है और अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यय कर रही है।